हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर राउंड ऑफ तकनीकी ट्यूजडे। वेल, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब निफ्टी करीबन था, अगर मैं देखूँ तो आई गेस 17,800 या उसके आसपास ही था, 17,800-18,000 के आसपास थे हम जब हम पिछली बारी बात किए थे। एंड दैट टाइम ऑल्सो हमारा व्यू ये था कि यहाँ पर मैक्सिमम अपसाइड हो सकती है एक बार के लिए 18,500, जो कि टारगेट थी फॉलिंग चैनल का, जो ब्रेकआउट आया था उसका थियोरेटिकल टारगेट था समवेयर नियर टू 18,500। एंड टुडे वी आर वेरी मच नियर टू दैट, 18,350 तो ऑलमोस्ट हो गया है। सी, करंटली वी आर ट्रेडिंग नियर टू 78.6% रिट्रेसमेंट ऑफ द एंटायर मूव विच हैपेंड फ्रॉम 18,800 टू 16,800। तो ये जो 2,000 पॉइंट्स का फॉल था उसको एग्जैक्टली 78.6% रिट्रेस करने जा रहे हैं हम, एंड दैट लेवल इज समवेयर नियर टू 18,450। एंड वी फील दैट मार्केट्स आर गोइंग टू ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ, द ट्रेडर्स आर ऑल्सो टू ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ, एंड एनी टाइम अ डिप और अ रिवर्सल कैन कम, दिस कुड बी अ बुल ट्रैप, देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अबाउट दैट, ऑल्दो देर इज नो कन्फर्मेशन फॉर दैट। सो यहाँ से हर किसी को, जो ट्रेडर्स है स्पेसिफिकली, उनको थोड़ा सा कॉशियस व्यू, कॉशियस अप्रोच रखनी है यहाँ पर, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस फॉलो करने हैं, ज़्यादा एग्रेसिव क्वांटिटी में लॉन्ग नहीं जाना है। लेवल्स फ्रंट पर आई फील 18,500 इज द रेजिस्टेंस, एंड अबव दैट 18,650 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, बट स्टिल दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम हियर। सो 18,500 वन कैन टेक इट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ ओआई बिल्ट अप ऑल्सो। डाउन साइड सपोर्ट्स आर एट 18,000, अब सपोर्ट 18,100, 18,100 के नीचे अगर ब्रेक होता है मार्केट तो फिर बहुत ही एग्रेसिव करेक्टिव मूव आ सकता है, ऐसा हमें लगता है। सो उस लेवल को वॉच आउट कीजिएगा। विथ रिगार्ड्स टू निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स इज़ वेरी मच नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो उसका ऑल टाइम हाई तकरीबन 44,000 के आसपास ही है, एंड करंटली वी आर ट्रेडिंग नियर 43,500। सो वी आर वेरी मच नियर टू ऑल टाइम हाई। सो इफ दैट इज़ ब्रोकन देन येस अगेन एग्रेसिव मूव ऑफ 1,000-1,500 पॉइंट्स कैन बी सीन ऑन द अपसाइड। सो एज ऑफ नाउ 44,000 आप अपर कैप मान के चलिए, कीप इट एज अ अपर कैप, अबव दैट ओनली गो फ्रेश लॉन्ग इन बैंक, टिल देन वेट एंड वॉच फॉर अ करेक्शन। राइट नाउ द सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट और यू कैन से अग्रेसिव सपोर्ट इज एट 42,500। सो दैट इज अ ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल, वंस दैट इज ब्रोकन देन वी कुड सी aggressive profit booking in banking stocks also. So keep in mind 18,100 for Nifty, this level in mind, and 42,500 for Nifty Bank Index. Overall we still feel right now stock specific action would continue because humne bahut sare stocks cover kiye is week mein, and kafi acche acche gains bhi aaye bahut sare stocks mein via our pick for the month or power pick ho ya stock movers ho. To स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही बढ़िया एक्शन है, इंडेक्स से ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए फॉर कमिंग वीक और सो। सो विद दिस विल एंड टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।